हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे ड्राइंग। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 में क्या है? लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे डबल लाइन में हमें लेटर राइटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं कौन सा स्पेलिंग है। BABBEL एंड BAT बैट। ओके, तो बैट एंड बॉल, तो दोनों वर्ड्स जो है डबल लाइन में वो हमें दिए गए हैं। सिर्फ हमें उसके अंदर कलर ही फिल करना है। ओके, और फिर आपको होमवर्क में मैं देती हूँ कि जो आपकी नोटबुक्स है उसके अंदर आप ऐसे ही 1, 2 और 3, ये 3 नंबर्स 1, 2 एंड 3 डबल लाइन में ड्रॉ करके इसके अंदर कलर कर सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं कलर करना। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे अलग अलग कलर, अलग अलग लेटर में अलग अलग कलर फिल किए हैं। ओके, आपको जो कलर पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है पेज नंबर 33। तो उसके अंदर क्या है कि बीड वर्क फ्रॉम पल्स ग्रेन। हमें क्या करना है कि जो ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो अनाज होते हैं, हम भात मतलब राइस, तुवेर, मग, फिर उड़द या फिर जो साबूदाना थे, वो सारे ग्रेन्स खाते हैं ना, तो वो ग्रेन्स का यूज़ करके उसके कलर के अलग अलग ग्रेन्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, राइट। तो वो ग्रेन्स का यूज़ करके हमें अलग अलग पिक्चर्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल पे एक सनफ्लावर दिया गया है और साइड में यहाँ पे एक डक दिया गया है, राइट। तो आप कोई कुछ भी बना सकते हैं यानी कि रंगोली, फिर कोई कार्टून्स, फिर हाउस, ट्री, कुछ भी बना सकते हैं। उसके अंदर जो कलर फिल होता है, जैसे कि ट्री हमने बनाया है तो ट्री के अंदर कौन सा कलर यूज़ होते हैं, एक तो ग्रीन या ब्राउन। तो आप ग्रीन और ब्राउन जो ग्रेन्स आते हैं उसका यूज़ करके आप वो पिक्चर्स कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ देखना है आपको अपनी नोटबुक में कोई भी ड्राइंग करके उसके अंदर जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ वैसे आपको ग्रेन्स लगा के ये पिक्चर्स कंप्लीट करना है। ओके, तो कैसे हम करेंगे पहले वो बताते हैं कि यहाँ पे पहले तो हमने ड्रॉ पेंसिल से करना होगा सनफ्लावर। ओके, सर्कल करके उसकी अलग अलग लीव्स बनानी होगी। ओके, तो अब हमने क्या किया है कि ये जो बीच में सनफ्लावर जो होते हैं बीच में कौन सा कलर होता है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर में हम क्या करेंगे, पहले जो सर्कल जितना है उसके अंदर हम अपनी हाथ या कुछ ब्रश लेके हम पहले उसके अंदर फेविकोल लगाएंगे, राइट। और फिर ब्लैक कलर का क्या आता है, ब्लैक कलर का उड़द भी आता है और यहाँ पे राई लगाई हुई है तो राई भी आप यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। और जो ग्रेन हमें स्टिक करना है तो उसके पहले हमें पहले फेविकोल लगाना होगा और उसके ऊपर ये ग्रेन्स लगाने होंगे। ओके, तो यहाँ पे राई लगा ली, फिर लीव्स की बारी, तो लीव्स में भी वैसे करना है, एक लीव्स में फेविकोल लगा के जो तुवेर दाल या मूंग या कुछ भी अरहर दाल कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे जैसे कि आप लीव्स देख रहे हैं कैसे ग्रीन होता है, तो ग्रीन में यहाँ पे मूंग जो होता है वो यूज़ किया है, राइट। तो ऐसे एक एक जो हमें ग्रेन्स लगाने होते हैं वहाँ पे ही सिर्फ फेविकोल लगाएंगे। ओके, पूरे पिक्चर्स में नहीं लगाएंगे। फिर ये बाजू वाला पिक्चर्स देखते हैं कि उसमें डक है, तो डक में क्या किया है, आप देख सकते हैं कि सारे ग्रेन्स सर्कल वाले ही है, राइट। तो डक तो वाइट ही कलर का होता है, तो जो साबूदाना आता है ना वो कैसा होता है, वाइट कलर का। तो यहाँ पे साबूदाना जो है वो वाइट कलर का बनाया हुआ है डक। फिर उसकी चोंच जो है, तो वो जो थोड़े से साबूदाना अलग से लेके उसके अंदर आप वाटर कलर या तो फिर रेड कलर का जो कंकु आता है तो वो भी आप उसके अंदर साबूदाने के अंदर लगा के वो आप कलरफुल साबूदाने बना सकते हैं और यहाँ पे लगा के अलग अलग पिक्चर्स कर सकते हैं। ओके, आप ग्रेन्स के ऊपर भी अलग कलर कर सकते हैं।
तो ये होगा दो पिक्चर्स, सनफ्लावर और डक। और आपको अपनी नोटबुक में कोई भी रंगोली है या कोई अलग से शेप्स है, फ्लावर्स है, पेबल्स है और पजल है, कुछ भी बनाना है और उसके अंदर ये ग्रेन यूज़ करके ये पिक्चर कंप्लीट करना है। ये है होमवर्क में, राइट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का ड्राइंग देखेंगे। यहाँ पे हमारा ये पेज नंबर 32 एंड 33 कंप्लीट हुआ।